ओके, बहुत बहुत स्वागत है हमारा बात करने के लिए। आपने अपनी समय दिया, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जन्नत का जन्मदिन है, क्या कहना चाहिए? फर्स्ट थिंग सबसे पहले हैप्पी बर्थडे जन्नत एंड या अल्लाह ब्लेस हर। एंड उसका आज गाना आया है, वैसे तो उसके एल्बम आते रहते हैं बट इस एल्बम में ये इंटरेस्टिंग था कि जन्नत ने खुद गाया एंड उसकी वॉइस सो स्वीट, उसकी वॉइस बहुत अच्छी थी एंड कंसेप्ट अच्छा था। एंड राम जी गुलाटी के गाने ऑफकोर्स सबको पता है अच्छे ही होते हैं, तो इस बार उनका सुपर डुपर हिट ही होने वाला है। एंड कि जब जन्नत का आज 18 बर्थडे था तो मेरा तो हुआ नहीं, मेरे को मतलब अभी टाइम है मेरा बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी 17 का होगा। सो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि 18 के प्लस पॉइंट्स अब मिलेंगे उसको। आई थिंक बीइंग अ सिंगर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जन्नत को सुनने के लिए कि कैसे वो गा पाती है, क्योंकि मैंने तो कभी उसको लाइव सुना नहीं या फिर किसी और वीडियो में हमने कभी नहीं देखा कि जन्नत गा रही है। तो दिस वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। और ऑफ कोर्स राम जी तो हमेशा से अच्छा गाते हैं। आई थिंक ये फर्स्ट एक्टर है जिसने सिंगिंग भी करी है अभी इतने कम उम्र में। And also composition was very simple and it was very catchy. So loved the song. लोग आप लोगों को भी काफी पसंद करते हैं TikTok हो या सोशल मीडिया में हो, तो when are you planning to coming together as a अभी कुछ प्लान हो रहा है? अच्छा, इनका भी बहुत अच्छा प्लान हो रहा है, मेरा भी अच्छा प्लान हो रहा है। लाइक लकी के साथ मेरे यूट्यूब पे गाने डाले हुए हैं काफी, 10 मिलियन प्लस हम लोग व्यूज हिट कर चुके हैं। तो जबकि हमारा उसका कुछ प्लान नहीं था, कुछ एक्चुअली कुछ प्लान नहीं था। मैंने इसको फोन किया ना, लाइक लकी कल मैं सुबह सो के उठ के चला गया था, भाई गाना शूट करना है, प्लीज करो करो करो। एंड ही वाज लाइक हाँ दीदी कुछ भी बोलो आप, ये वो। तो जान भी हाजिर है, इसका भी सॉन्ग नया आ रहा है, इज डूइंग अमेजिंग। मेरे भी काफी ओरिजिनल्स आ रहे हैं विद लेबल्स एंड ऑन माई चैनल, सो रियली एक्साइटेड फॉर इट कि आप लोग देखें, सुने और पसंद करें। और आप लोग जो या हम लोग स्टार कुछ भी नहीं है, फर्स्ट थिंग हम लोग स्टार नहीं है, बिकॉज जो स्टार वो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं एंड आप लोगों जो हम लोगों को उन तक दिखा पाते हो, बिकॉज हम लोग चाहें तो हम लोग बता नहीं पाते अपनी बातें बहुत सारी, और आप लोग हमसे मिलते हो, आप लोग बताते हो कि हम उन लोगों को अपनी बात समझा पाते हैं एंड वो लोग कि हमें इतना प्यार कर रहे हैं, हम लोग इतनी सी एज में यहाँ पे हैं आज। तो थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोग इतना लव और सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, ऐसे ही प्यार देते रहो एंड आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।